नमस्कार साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, हिसार से, जहां हिसार दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। किसानों ने हाईवे पर जाम किया। झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में जाम किया गया। रामायण टोल पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। टोल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। बड़ी खबर आपको हिसार से बता रहे हैं, जहां हिसार दिल्ली हाईवे जाम किया गया। बता दें कि किसानों ने हाईवे को जाम किया है, साथ ही झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में जाम किया गया है। बता दें कि झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके विरोध में यह जाम किया गया है। जहां रामायण टोल पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, टोल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी खबर आपको हिसार से बता रहे हैं, जहां हिसार दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। बता दें कि किसानों ने हाईवे को जाम किया। झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में जाम किया गया है। रामायण टोल पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे भी हुए, टोल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी खबर आपको हरियाणा के हिसार से बता रहे हैं, जहां हिसार दिल्ली हाईवे जाम किया गया। बता दें कि किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे जाम किया है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या है पूरा मामला, जहां लगातार किसान हाईवे को जाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही झज्जर में जो किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था, उसके विरोध में हाईवे जाम किया गया है, पूरी जानकारी है। जी, आज दुष्यंत चौटाला झज्जर में आए थे, इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसके बीच लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज की सूचना पाकर हिसार मैयर रोल टोल पर किसान काफी संख्या में यहां पहुंच गए। उन्होंने लगभग 1.5-2 घंटे तक जाम लगा दिया और यहां हाईवे पर लंबी लंबी लाइनें लगी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बाद में काफी मशक्कत के बाद में काफी घंटों के बाद ही, 2-2.5 घंटे के बाद ही किसानों ने रोड जाम खोल दिया। जी जी बिल्कुल प्रवीण, इस दौरान जब जाम किया गया तो पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रही, क्या व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नहीं दिखी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, परंतु वाहनों की आने जाने वाले लोगों की रोड पर जाम लग गया और आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई। किसानों ने बिल्कुल टोल के रास्ते बंद होने के कारण लोग जा नहीं सके। पुलिस भी मौके पर पहुंची पर जाम नहीं खुला। बाद में 1.5-2 घंटे के बाद ही पुलिस उसके जाम को खुलवा पाई। जी बिल्कुल प्रवीण, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बड़ी खबर हिसार से बता रहे हैं, जहां हिसार दिल्ली हाईवे पर जाम किया गया। बता दें कि किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे को जाम किया, जहां बड़ी संख्या में झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह जाम किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर अंबाला से, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया। बराड़ा में होनी थी बीजेपी की बैठक, बैठक के विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने वाटर कैनन पर किसानों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। बड़ी खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। पूरा मामला आपको बता दें अंबाला से, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है। बता दें कि बराड़ा में बीजेपी की बैठक होनी थी, जहां बैठक के विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। अंबाला से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है। बता दें कि लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है पूरी जानकारी, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है। बीजेपी की बैठक बराड़ा में होनी थी, ऐसे में लगातार किसान जो हैं कृषि बिलों का विरोध भी कर रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी विपिन, क्या है पूरी जानकारी, जहां लगातार किसान कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी विपिन, आपको आवाज मिल पा रही है? तो विपिन से हमारा संपर्क नहीं बन पाया है। अंबाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है। बता दें कि बराड़ा में बीजेपी की बैठक होनी थी, बराड़ा में यह बैठक होनी थी, जिसका विरोध किया गया है। बता दें कि बैठक के विरोध में किसानों के
चक्का जाम किया है। इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है पूरी जानकारी, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है, पूरी जानकारी? हाँ जी विपिन, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ आवाज जी। क्या है पूरी जानकारी, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है? हम देख रहे हैं लगातार किसान विरोध चलते हुए पिछले 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और आज जैसे ही किसानों को पता चला है कि शाहबाद और काला रोड, काला आम और सभी रोड इन्होंने जाम कर दिए गए। हाँ जी बिल्कुल विपिन, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बड़ी खबर अंबाला से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक का विरोध किया गया है। बता दें कि बराड़ा में बीजेपी की बैठक होनी थी, बैठक के विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया, पुलिस और किसानों के बीच इसकी झड़प भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन कर किसानों पर हल्का बल प्रयोग भी किया।